चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपके चेहरे पर जो मुहासे आते हैं, एक्ने आते हैं, तो उसको आपको कैसे दूर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है। लेकिन इससे पहले, आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उस वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक्ने और ये मुहासे जो आते हैं, तो उसके लिए एक टैबलेट है होम्योपैथी की जो आप इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही में एक क्रीम आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो आप बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्ने जो है, ये एक स्किन प्रॉब्लम है। आपके स्किन पर ऑयल बहुत ज्यादा हो जाता है, डेड स्किन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके पोर्स जो होते हैं स्किन पर उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके वजह से ये पिंपल्स जो है वो आते हैं। ये पिंपल्स स्पेशली आपके फेस पर, आपके चेहरे पर, आपके गर्दन पर, आपके पीठ पर या आपके कंधों पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ये पिंपल्स जो है वो एक सीरियस हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि जब ये पिंपल्स आते हैं तो उसके बाद एक स्कार छोड़ जाते हैं, वो परमानेंट रह जाता है, तो वो स्कार जल्दी जाता नहीं है और आपके खूबसूरती में वो बाधा बन जाता है। तो उस स्कार को निकालने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एक्ने जो है इसका क्या कॉज हो सकता है। तो एक्ने का कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं, स्पेशली प्यूबर्टी के वक्त, किशोरी अवस्था के वक्त, क्या होता है कि एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपको एक्ने की जो परेशानियां है वो हो सकती है। या एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है कि आपके स्किन पर जो ऑयल पैदा करने वाली ग्लैंड्स जो है उसको स्टिमुलेट करता है, तो उसकी वजह से ये ऑयल जो है वो बढ़ जाता है, सीबम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपके स्किन ऑयली होने की वजह से, आपके पोर्स को ऑब्स्ट्रक्शन बनने की वजह से आपको एक्ने पिंपल्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये स्पेशली बॉयज और गर्ल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के वक्त, किशोरी अवस्था के वक्त। तो ये जो पिंपल्स है वो आपके चेहरे पर जब आते हैं तो रेड स्पॉट बनकर आते हैं, माइल्ड फॉर्म में आते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं और पेनफुल भी कभी कभी रहते हैं। और जब ये एक्ने आपको आ जाते हैं तो उसमें कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, और उसके वजह से आपको स्वेलिंग, रेडनेस और उसमें पस जो है वो भर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक होम्योपैथिक टैबलेट है जिसका नाम है SBL कंपनी की पिंप्लेक्स टैबलेट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके स्किन का न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाता है, और साथ ही में आपके पिंपल्स जो है, आपके पिंपल्स के बाद आपको जो ब्लैक हेड्स आते हैं उसको भी ठीक करने का काम, और जो पिंपल्स के बाद स्कार आते हैं तो उसको भी ठीक करने का काम ये पिंप्लेक्स टैबलेट जो है SBL कंपनी की ये करती है। तो ये जो टैबलेट है इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है। तो पहली दवा इसमें मिली हुई है वो है अर्सेनिक आयोडेटम। ये मेडिसिन आपके पिंपल्स को, आपके ब्लैक जो स्कार होते हैं उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नक्सवमिका। अगर आपको डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम्स है और इसकी वजह से आपको पिंपल्स आते हैं तो उस वक्त नक्सवमिका मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लड़के लड़कियां होती है तो वो क्या करती है कि रात भर वो मोबाइल या फिर टीवी पर रहते हैं और जल्दी सोते नहीं है, तो उसके वजह से उनकी स्लीप पूरी नहीं होती है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं और उनको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वहां पर ये नक्सवमिका मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। ये बर्बेरिस एक्वाफोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन मेडिसिन है पिंपल्स को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इग्निशिया, और नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है एस्टेरिया रूबेंस। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां ये इस टैबलेट में मिली हुई है, तो ये टैबलेट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो भी एक्ने या फिर पिंपल्स की तकलीफ है वो कम हो जाती है, और स्पेशली एक्ने के बाद जो आपको स्कार आते हैं जो जल्दी से जाते नहीं है, वो जिद्दी स्कार होते हैं, तो उसको निकालने के लिए टैबलेट्स जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टैबलेट है इसका डोज कैसे हो सकता है, तो ये जो टैबलेट्स है इसके दो टैबलेट्स आपको दिन में चार बार लेने हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय। तो ये टैबलेट्स आप लगातार
इस्तेमाल करते हैं 6 या 7 महीने के लिए, तो आपके जो भी स्कार आए हुए हैं पिंपल्स के बाद जो जा नहीं रहे हैं तो वो जल्दी से चले जाएंगे। तो ये टैबलेट्स आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में उसके साथ आप एक क्रीम भी आप एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। उस क्रीम के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो उस क्रीम का नाम है क्यूरो प्लस जेल। तो ये जो क्यूरो प्लस जेल है ये SBL कंपनी का आता है और आप एक्ने और पिंपल्स के लिए जहां पर आपकी ड्राई स्किन है और आपको वहां पर बहुत ज्यादा स्कार है वो नहीं जा रहे हैं तो वहां पर ये क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। तो इस क्रीम में कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन मिली हुई है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला ये मेडिसिन एंटी इंफ्लेमेटरी करके काम करती है और आपकी त्वचा को मॉइस्ट रखने का काम करती है। साथ ही में जिन लोगों में ड्राई स्किन है और स्किन में बहुत ज्यादा डैमेजेस हो गए हैं ड्राइनेस की वजह से तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हिमामेलिस। ये हिमामेलिस मेडिसिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी करके काम करती है, साथ ही में सन बर्न या फिर एक्ने से प्रोटेक्ट करने में ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर समर के सीजन में आपको स्किन पीलिंग की तकलीफें होती है तो वहां पर ये हिमामेलिस मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एक्ने के लिए। जहां पर भी आपको एक्ने और पिंपल्स और उसके बाद होने वाले स्कार की परेशानियां बहुत ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए बर्बेरिस एक्वाफोलियम मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो ये इस क्रीम में क्यूरो प्लस जेल में मिली हुई है। तो ये क्यूरो प्लस जेल आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है कि आपकी स्किन को आपके फेस को बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मल वाटर से आपको धो लेना है और उसके बाद ये क्रीम जो है वो जेंटली आपको अप्लाई करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड स्ट्रोक में। ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, ये जेल आप इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में सर्कुलर मोशन में भी ये जेल आपके फिंगर से आपके हाथों से आप वहां पर लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये टैबलेट और जेल आप लगातार इस्तेमाल करते हैं 6 या 7 महीने के लिए तो जो भी स्कार है जो भी पिंपल्स है तो उसकी तकलीफें खत्म हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो क्रीम है और ये जो टैबलेट्स है ये आपको किसी भी नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगी या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि जिनको भी एक्ने और पिंपल्स की बहुत ज्यादा परेशानी है तो उनके लिए मेडिसिन और वीडियो दोनों मददगार रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।